और अब बात करते हैं काशी की। जी हाँ, वाराणसी के सैलाब की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ गया और 84 घाट पानी में डूब चुके हैं। तो सभी के सभी 84 घाट देखे पानी में अभी फिलहाल डूबे हुए नजर आते हैं। सैलाब का कहर किस तरह किधर वहां पर देखने को मिल रहा है। निचले इलाके जो है वहां पर पानी ही पानी है। प्रशासन की ओर से इसी बीच में अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे जो 84 घाट है वहां पर सैलाब आ चुका है और घाट किनारे जाने से सभी को फिलहाल के लिए मना कर दिया गया है। अचानक से गंगा का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद कुछ ऐसे हालात वहां पर बन गए। बढ़ते जल स्तर के कारण अब ये पूरा का पूरा जो घाट है वो पानी में समाहित हो चुका है। यानी यहाँ पर पूरे घाट पर आप देखेंगे तो वाटर कर्फ्यू सा नजारा आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जो सैलानी हैं उनको काफी मायूसी का सामना करना पड़ा है। मायूस दिख रहे हैं जो लोग हैं, जो बाहर से घूमने आने वाले लोग हैं, वो इस वक्त बिल्कुल घाट के ऊपरी हिस्से यानी सड़क किनारे हैं और यहीं से कहीं ना कहीं बाढ़ का लुत्फ उठा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर माँ गंगा का आचमन करने के साथ ही स्नान कर रहे हैं। और सिर्फ वाराणसी के 80 घाट ही नहीं बल्कि वाराणसी के जो सभी प्रमुख जो 84 घाट हैं उनका संपर्क बिल्कुल टूट गया है। सभी घाट पानी के आगोश में जा चुके हैं। यानी जो परेशानियां हैं वाराणसी में रहने वाले लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि गंगा का जो जलस्तर है वो लगभग 70 मीटर के आसपास है। तो आप समझिए कि किस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। इसके बाद इसको देखते हुए जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने घाट से घाट छोड़कर अब उस ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया है। खासतौर से जो पंडे हैं और इसके अलावा जो नाविक समाज के लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे वाराणसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो निश्चित तौर पे गंगा घाटों को छोड़कर अब गलियों की ओर रुख करेंगी, तो ऐसे में स्थिति और बिगड़ सकती है। वाराणसी से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।